प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। इसके साथ ही कई शहरों में आज से ही 5G सर्विस मिलने लगेगी। भले ही देश के सभी शहरों में 5G आज से ना मिले, लेकिन अगले साल के अंत तक इस सर्विस को पैन इंडिया लेवल पर पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि देश के कोने कोने में 5G सर्विस मिलने लगेगी। सवाल ये है कि इसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे। किसी भी कंपनी ने अपने 5G डेटा या 5G रिचार्ज प्लान की जानकारी नहीं दी है। हालांकि रिलायंस जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारत में जियो सस्ती 5G सर्विस लेकर आएगा। उन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G लॉन्च के वक्त कहा, भारत ने भले ही थोड़ी देर से शुरुआत की हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू करेंगे। मुकेश अंबानी ने कहा, मैं दिसंबर 2023 तक हमारे देश के हर शहर, हर तालुका और हर तहसील में 5G पहुंचाने की जियो की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूं। जियो की अधिकांश 5G टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की गई है, इसलिए आत्मनिर्भर भारत की मोहर इस पर लगी है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि आपको रिचार्ज के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे, मगर टेलीकॉम कंपनियां लगातार 5G प्लान्स की कीमत को लेकर कह रही हैं कि ये 4G जैसे ही होंगे। ये तो निश्चित है कि 5G रिचार्ज 4G के मुकाबले ज्यादा कीमत वाले होंगे, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हमारा खर्च कम हो सकता है।